नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे 11 जनवरी करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप बहुत ईजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर एक है बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क और ऑप्शन नंबर डी है फिलीपींस। तो आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे हिसाब से आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि डेनमार्क। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। सेहार फाउंडेशन के संस्थापक अब्राहम बताएं ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को पर्यावरण की रक्षा हेतु इस अवार्ड को दिया है। वहीं पे आप लोग देखेंगे सद्भावना फाउंडेशन की स्थापना अब्राहम मथाय ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने तथा जाति धर्म आस्था एवं लिंग का भेदभाव किए बिना समुदाय के कल्याण के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 से की गई है। 2007 में कोलकाता में संत मदर टेरेसा की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में डेनमार्क को इसका जो है वो अवार्ड मिला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने शपथ ली है और किसे बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैक्रोवेन शॉन, ऑप्शन नंबर बी है पेन जेफिल्स, ऑप्शन नंबर सी है जैंगमेंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके हाल ही में जो महासचिव बने हैं वो बने हैं जैंगमिंग। तो मैं आप लोगों को उनकी पिक्चर बता देता हूँ, ये है जैंगमिंग। तो चीन देश के वरिष्ठ राजनयिक जैंगमिंग ने शंघाई सहयोग संगठन SCO बोलते हैं जिनको, के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। जैंगमिंग का कार्यकाल 3 सालों का होगा, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमिर नोरोव की जगह लेंगे। वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा, जिसमें भारत शामिल है। आप लोगों को याद रखना है, वो पूछेगा भारत शामिल है या नहीं है तो आपको बता देना बिल्कुल भारत शामिल है। उसके अलावा चीन है, कजाकिस्तान है, उसके बाद में आप देखें किर्गिज गणराज्य है मिल जाएगा, पाकिस्तान, रूस है ना, और उसके अलावा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान भी इसके अंदर क्या मिल जाएंगे आप लोगों को शामिल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 9 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 6 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 6 जनवरी। चलिए तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 6 जनवरी को संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन जिसका नाम है SOS एनफ्रेंड्स इन डेट्रेसिस के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। कोरोना वायरस महामारी में दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचा बढ़ाने हेतु भी इसको मान्यता दी गई है। और आप देखेंगे 6 जनवरी को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये, अगर आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें और लाइक करके मुझे ही बताएं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है। 4 ऑप्शन आप लोग के पास में, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑप्शन नंबर बी है अर्जेंटीना एंड बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील एंड फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि एंटीगुआ बारबुदा। तो ये एंटीगुआ बारबुदा कहाँ पर है, ये आप लोगों को जो कैरिबियन है वहाँ पर मिल जाएगा, क्यूबा के जस्ट ईस्टर्न पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1981 में ये आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज भी आप देखेंगे एक डोमिनियन स्टेटस जो है इसको मिला हुआ है ब्रिटिशर की तरफ से, या ब्रिटेन की तरफ से। इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। एंटीगुआ बारबुदा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होना वाला अब 102वां देश जो है वो बन गया है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री जी ब्राउन की अध्यक्षता में देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस फ्रांस की जो संयुक्त जलवायु परिवर्तन की जो एक समिट होती है, जिसको हम लोग COP21 बोलते हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के 21वें सत्र के तहत आयोजित किया गया था।
वहीं पे आप देखेंगे इसकी राजधानी जो है सेंट जॉन्स है, और वर्तमान में जो मुद्रा है वो है पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। मैं आप लोगों को बताया था कैरेबिया वाला भाग है, इस वजह से पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर एक है TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है RK जोशी, ऑप्शन नंबर सी है NK जैन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि TS ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति, यहाँ ट्री ट्रिनिटी लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति कर लीजिएगा इसको। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हैं TS त्रिमूर्ति जी, 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादी विरोधी समिति के अध्यक्ष रूप में इनको चुना गया, नियुक्त किया गया, जिसमें भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी समिति की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ये लोग काम करेंगे। वर्तमान में भारत 15 देश के UBSC का अस्थायी सदस्य है, जिसमें उनका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करके अपना सपोर्ट भी मुझे दें, और अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें लोकेश सर अकेडमी को, और बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।